हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि हम लोगों का सीरीज चल रहा है 29 स्टेट्स और 29 डिशेस का, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो इसी बहाने आज हम लोग बनाएंगे यूपी का कबाब। तो वेज शमी कबाब बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। 200 ग्राम काला चना, इसको मैंने 7 से 8 घंटा भिगो के रख लिया था, और मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 वेसल इसको देंगे। और हमें चाहिए प्याज एक बारीक कटा हुआ, 3 चम्मच मैंने ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन लिया है, 1 बड़ी चम्मच हमको नींबू का रस चाहिए, तो थोड़े से हमको धनिया पत्ता चाहिए, 3 से 4 हरी मिर्च चाहिए जिसको मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है। मसालों में हमें चाहिए 1 छोटी चम्मच सूखी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच करी पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो चलिए शमी कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग उबला हुआ काला चना, इसको हम लोग पीस लेंगे अच्छे से। हमें इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना, बिना पानी के हमको इसको पीसना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको हमने बारीकी से पीस लिया है। तो अभी हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे, साथ ही कटी हुई हरी मिर्च, 2 से 3 चम्मच बेसन, 2 से 3 चम्मच बेसन और अभी हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे। कटा हुआ धनिया, नींबू का रस और सारे मसाले, इन सबको भी हम लोग डाल देंगे। तो अभी हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो इसमें हम लोग 4 से 5 चम्मच पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा ही बस मॉइस्ट रखना है हमको इसे। तो चलिए अभी हम लोग कबाब का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और उसके बाद एक बॉल साइज का हम लोग इसको डफ बनाएंगे। तो गोल बनाएंगे, उसको ऊपर से थोड़ा सा दबाएंगे और ये साइड्स में जो क्रैक हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा दबा के फिल कर लेंगे अच्छे से। तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा मोटा ही रखना है। ग्राम काला चना से लगभग 10 कबाब बन सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा कबाब रेडी है। तो चलिए इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो कबाब फ्राई करने के लिए एक पैन में या फिर एक बड़े से कढ़ाई में 1/2 कप तेल डालेंगे और उसको पहले हम लोग हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे, उसके बाद लो फ्लेम में हम लोग कबाब डालेंगे। तो एक बार में 3 से 4 कबाब ही डालिएगा और पहले हम लोग 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्लिप करके दूसरा वाला साइड भी फ्राई करेंगे। तो अभी 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसको फ्लिप करते हैं दूसरे तरफ अच्छे से पकाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो दूसरे वाले साइड को भी हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो अभी हमारा कबाब रेडी हो चुका है, तो इसे हम लोग अभी निकाल लेंगे।
जैसे कि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे, और कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।